हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आलू और गोभी की भुजिया बनाने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे इसे बहुत ही पसंद करते हैं। इसे आप लंच के लिए या टिफिन में कभी भी बना के दे सकती हैं। इसमें बहुत ही मसाला कम यूज होता है, इसे बड़े भी पसंद करते हैं जो कम तेल मसाला खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये भुजिया की रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम भुजिया बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाही रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाही गर्म हो चुकी है, इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल आप कोई भी खाने वाला यहाँ पे ले सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे और उसमें हम थोड़ा सा जीरा और एक सूखी मिर्च को तोड़ के फोड़न डालेंगे, इससे भुजिए का टेस्ट बढ़ जाता है। अब हम जीरा और मिर्च को ब्राउन होने देंगे। जीरा और मिर्च ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो प्याज को हमने छोटे छोटे साइज में कट कर लिया है, तो एक प्याज हम यहाँ पे डालेंगे और इसे हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए, 1.5 मिनट में हमारा प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो गया है, यानी कि प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे आलू डालेंगे। तो हमने एक बड़ी साइज के आलू को पील करके और ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, तो इसको हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। हमने केली फ्लावर को यानी कि फूल गोभी को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, तो इस स्टेज पे हम ये भी डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम अच्छे से मिक्स करके और कवर कर लेंगे। हमें इसे 2 से 3 मिनट पकने देना है, फिर हम इसे चलाएंगे। 3 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आलू और गोभी अपना सॉफ्ट होने लगा है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे हम अपना मसाला मिक्स करेंगे। तो हम ये भुजिया बना रहे हैं, इसके लिए हमें इसमें ज्यादा कोई मसाला नहीं डालना है। हम 2 ही मसाले पे इसे बनाएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें 1/2 चम्मच हम हल्दी डाल रहे हैं। हल्दी को फैलाते हुए डाल रहे हैं और 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। एक कम तीखा वाला मिर्च पाउडर है, आप तीखा वाला यूज करें तो थोड़ा कम कर दें। और साथ में हम नमक भी डालेंगे जिससे कि आलू अपनी पक जाएगी, तो हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। ये बहुत ही कम मसाले में बनने वाली सब्जी है और इसे बच्चे तो बहुत ही पसंद करते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसका कलर कितना प्यारा आया है। तो मसाला मिक्स कर दिए हैं, अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। 2-3 मिनट बाद हम फिर सब्जी को चेक करेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक आलू को हम ऐसे फेस करके चेक करेंगे। तो आलू अपनी पक चुकी है। तो अभी तक का जो भुजिया है हमने मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब हम गैस के फ्लेम को फुल कर लेंगे और चलाते हुए इसे 2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे भुजिया तो भुजिया को हमने चलाते हुए कुरकुरा कर लिया है। अब ध्यान से देखिए, आलू अपना कितना सुंदर पक चुका है, साथ में गोभी भी पक गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और भुजिया को किनारे कर लेंगे। इससे क्या होगा, इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो बीच में जमा हो जाएगा।
एक मिनट तक हमने सब्जी को साइड में करके रखा था, तो एक्स्ट्रा तेल जो है वो बीच में इकट्ठा हो गया है। हमें इस तेल को वेस्ट नहीं करना है, इसमें हम कोई और सब्जी बना सकते हैं। अब हम सब्जी को सर्विंग बाउल में निकालेंगे। तो ऐसे हम किनारे से चम्मच के सहारे सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। आलू और गोभी की मजेदार स्वादिष्ट भुजिया बनकर तैयार है। अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। तो इस भुजिया को आप जरूर ट्राई कीजिए, इसे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं, और जो लोग मसाला कम पसंद करता है उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया डिश है। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।